اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग. अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट रात के 10:30. हम लोग निकल रहे हैं ज़ियारात के लिए, जो कि अतराफ़ की ज़ियारात है. कर्बला के अतराफ़ में आते हैं जी काजमैन, सामरा और हिला. हिला ये तीन जगह हैं जहाँ पर ज़ियारात होती हैं. आज हम जाएंगे काजमैन और सामरा इंशाल्लाह, वहाँ पर ज़ियारत करेंगे. आपको भी अपने साथ साथ कराएंगे इंशाल्लाह, जैसे हम पहले करते आए हैं, और आपको अपने साथ सफ़र पर लेकर चलते हैं. व्लॉग की शुरुआत हमने जब होटल से बिल्कुल निकले हैं तो साथ ही एक जुलूस आ रहा था जो कि पाकिस्तानियों का जुलूस था, तो हमने सोचा हम साथ साथ आपको पहले वो दिखा दें और फिर व्लॉग को ऑफिशियली शुरू करते हैं. तो अभी बस का वेट हो रहा है, जैसे ही बस आ जाती है तो हम बस फिर निकलते हैं उसके साथ साथ और आपको साथ लेकर चलते हैं. जी, कर्बला से थोड़ा सा बाहर जब आप निकलते हैं तो ये है जनाब ऑन और जनाब मोहम्मद का जो रोज़ा है वो बन रहा है, तामीर हो रहा है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट फिर भी हम अंदर जाएंगे और साथ साथ आपको भी ज़ियारत कराएंगे और ख़ुद भी ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा जी, एक एंट्रेंस जो है वो ये वाली है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और एक उस साइड पे भी है, तो उधर से भी चलते हैं. लें जी, कर्बला से 10 किलोमीटर दूर, ऑलमोस्ट अराउंड 10 किलोमीटर जब आप थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो कहा जाता है कि ये वही मुकाम है जहाँ पर शहादत एक्चुअली हुई थी, और ये इसी साल जो है वो ज़री को इन्होंने बनाया है, अंदर से जो नई ज़री बनाई है इन्होंने और उसको किया है. तो मैं अभी अंदर चलती हूँ तो फिर आपको साथ साथ दिखाती हूँ. इतनी खूबसूरत ज़री बनाई है जी इन्होंने. नहीं, मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ, सुबहानल्लाह अल्लाह मोहम्मद. बस अभी नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह और फिर यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह. नहीं जी, अभी हमें पता चला है कि ये ज़री पाकिस्तान से बन के आई है, और इससे ज़्यादा प्राउड की जो बात है वो नहीं हो सकती. अल्लाह मसल्ला मोहम्मद मोहम्मद वज्जल फ़रज मुजमैन. बहुत खूबसूरत ज़री बनी है जी, बहुत खूबसूरत. हम पहुँच चुके हैं सामरा. जब आप बस स्टेशन के पास जो है वो आपको उतारते हैं, और ये बसेस जो हैं ये चल रही होती हैं आपको वहाँ से हरम के बिल्कुल पास ले आने के लिए. आप यहाँ से औरतों की एंट्रेंस है, वहाँ से मर्दों की एंट्रेंस है, तो बस अंदर चलते हैं और आपको भी अपने साथ साथ लेकर चलते हैं अंदर. लें जी, आते साथ ही आगे बाज़ार से एंट्रेंस है, और फिर ये सामने जो है वो हमें ज़री नज़र आती है. असल में सामरा में 5 ज़ियारात हैं, जिनमें से एक हैं हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, और फिर उनके बाद जनाब हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, फिर बीबी नरजिस खातून, फिर इमाम ज़माना की जो वो गैबत है, गैबत सुगरा और गैबत कुबरा, दोनों जो हैं वो यहीं पर ही हैं. तो जैसे जैसे ज़ियारात आती रहेंगी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرج مجمعين. ये यहाँ पर है जी वुमेन इंस्पेक्शन, और फिर आप एंट्रेंस ले सकते हैं. लें जी, 4 घंटे की ड्राइव के बाद हम यहाँ पर पहुँचे थे, और क्योंकि अब फजर की नमाज़ हो गई थी तो हमने भी पहले नमाज़ पढ़ी है. अभी हम चलेंगे अंदर. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर 4 ज़ियारात जो हैं वो इकट्ठी हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या अली यासीन. अब इसमें 4 ज़ियारात जो इकट्ठी हैं वो किस किस की हैं? सबसे पहले तो है बीबी हकीमा की, जो दूसरी है सैयदा हकीमा की, जो दूसरी है वो है जनाब अली नकी अलैहिस्सलाम की, जिनका लकब है हादी,
उनके नाम से अंदर बनियों की ज़्यारत। जो तीसरी है वो है जनाब हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और जो चौथी है वो है बीबी नरजिस खातून की। तो अभी अंदर चलते हैं, आपको साथ साथ दिखाते हैं। اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اجمعين اللهم صل على محمد وعلى السلام عليكم ياسين اللهم صل على محمد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اجمعين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اجمعين जी बस दो दो रकत नमाज दो इमामैन की, जनाब हज़रत अली नक़वी अलैहिस्सलाम की, और फिर जनाब हज़रत हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की, और फिर बीबी के नाम की भी जो दो बीबी नरजिस का, तो उनके नाम की जो दो पढ़ने हैं वो पढ़ के फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। नहीं जी, यहाँ से बाहर आते साथ ही लिखा हुआ है द होली क्रिप्ट ज़ेर ज़मीन मुक़दस। अब यहाँ से नीचे जाकर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं जहाँ पर मौला की ग़ैबत हुई थी जनाब इमाम ज़मान की, बेसमेंट में आओ। लेकिन जी कितना खूबसूरत हॉल है नीचे आते साथ जो बेसमेंट, और ये ज़्यारत है, और यहाँ पर ग़ैबत है हमारे इमाम की। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। बराए ज़हूर इमाम ज़मान बुलंद तर सलावात। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। जी ये है ज़्यारत, ज़्यारतनामा पढ़ के आप अंदर दाखिल हो सकते हैं, और यहाँ पर जो मौला की ग़ैबत है ये हुआ। अंदर चलते हैं और अंदर भी आपको दिखाते हैं साथ। अच्छा जी, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि इमाम की दो ग़ैबतें हैं, एक है ग़ैबत सुग़रा और एक है ग़ैबत कुबरा। जो अभी हमने बाहर देखी थी वो थी ग़ैबत सुग़रा, ये जो है ग़ैबत कुबरा, जो कि अभी तक इमाम की ग़ैबत चल रही है ये वो। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। ये वो मकाम है जहाँ पर मौला की ग़ैबत हुई थी। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। जी अभी बस पढ़ी है नमाज इमाम ज़मान भी पढ़ ली है, और नमाज इस्तगासा इमाम ज़मान भी पढ़ ली है। तो बस अभी यहाँ से लेंगे रुख्सत इमाम से और फिर निकलेंगे इंशाल्लाह आगे की तरफ। आगे हम जाएंगे काजमैन जहाँ पर ज़्यारात हैं जनाब मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, और दो तीन ज़्यारात और भी हैं जो कि हम वहाँ पर जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। बट फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर हमने चार ज़्यारात और जो दो ग़ैबत हैं इमाम की वो भी साथ साथ आप ख़ुद भी किए और आपको भी कराएँ। बस अभी इमाम से रुख्सत मांगेंगे और फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। नहीं जी, वापस आ चुके हैं बस की तरफ। अब बस यहाँ से चलेंगे काजमैन के लिए इंशाल्लाह। इतनी सारी बसेस हैं यहाँ पर, इतने सारे लोग आए हुए हैं, सारी ये सारा बस स्टैंड है सुना। नहीं जी, काजमैन जाने से पहले हमने एक छोटा सा क्विक स्टॉप किया है जो कि है जनाब इमाम अली नक़वी अलैहिस्सलाम का कैद खाना, जो कि यहाँ से स्टेयर्स नीचे जाएंगी और फिर नीचे कैद खाना है। तो वो ख़ुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। Because certain
मैं जा रही इधर वापस इधर से आओ वापस वही दिल कर जाए। प्लेन जी अभी जहाँ से आए हैं उसकी थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देते हैं, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू टेल यू गाइज एट दैट टाइम। बट वो हमारे चार इमामों की जिंदान जो है वो है, जिंदान है वो। एक वो जो हमने सबसे एंटर होता साथ दिखाया था आपको, दूसरा वो बिल्कुल प्याला टाइप और फिर बिग नीचे जाकर, और दो जो जिंदान थे वो थे वो अंदर जो सुरंग टाइप करके थे। तो वो चार इमामों के चार जिंदान मैंने आपको दिखाए थे। नहीं जी, ये है हमारा नेक्स्ट स्टॉप हजरत सलमान फारसी का जो मज़ार है, ये उसकी बिल्कुल मेन एंट्रेंस है। यहाँ से अभी अंदर चलते हैं, फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं। और ये है जगह का नाम है जी मदाइम, जहाँ पर ये मज़ार है इनका। अच्छा, ये देखिए लिखा हुआ है अस्सलामु अलैकुम बाब वसील मुस्तफ़ा। सिंस हमें आइडिया होगा आप सबको, मेरे ख्याल में पता ही होगा कि हजरत सलमान फारसी जो हैं वो रसूल खुदा के सहाबी हैं, तो वो लिखा हुआ है बाब वसील मुस्तफ़ा। अच्छा जी, ये है अंदर से अहाता, वो सामने रोज़ा है, अंदर चलेंगे अभी। और यहाँ पर मजालिस वगैरह का जो है वो अहतमाम किया जाता है। अब जिन लोगों को तो पता है कि हजरत सलमान फारसी की अहमियत क्या है, और उनके तो गुड, अगर तो नहीं पता फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि हजरत सलमान फारसी वो हैं जिनको रसूल खुदा ने फरमाया कि मेरी अहले बैत हैं। तो ये रसूल खुदा के भी सहाबी हैं, उनके बाद मौला अली के भी सहाबी रह चुके हैं। तो अभी हम बस अंदर जाएंगे और फिर आपको साथ साथ पूरी ज्यारत भी कराएंगे इंशाल्लाह। ये है जी हजरत सलमान महदी की ज्यारत, जो कि पढ़ के आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये है जी एंट्रेंस, और बिल्कुल सामने ज्यारत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, यहाँ पर तीन जा रहा था अंदर आकर मुझे भी पता चला। ये देखिए सामने, अगर आपको नज़र आ रहा हो लिखा हुआ, ये है हुज़ैफ़ा बिन यमानी, ये भी सहाबी रसूल हैं। और यहाँ से बिल्कुल सामने दो ज़ियारात और हैं, एक जो है वो हजरत अब्दुल्ला बिन जाबर अंसारी उनकी है। ये है जी हजरत सलमान फारसी की जरी, ऊपर से गुंबद। दो रकत नमाज जनाब सलमान फारसी के, और फिर इंशाल्लाह दो रकत नमाज अब जो बाकी असहाब यहाँ पर दफन हैं उनके इंशाल्लाह वो पढ़ के फिर निकलेंगे। अच्छा जी, तो ये हजरत अब्दुल्ला बिन जाबर अंसारी के बिल्कुल साथ जो आपको लहद नज़र आती है, ये है जनाब इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के बेटे, जिनका नाम है ताहिर, ताहिर बिन इमाम मोहम्मद बाकर। तो ये हजरत मोहम्मद बाकर के बेटे की जो है वो कब्र बनी हुई है यहाँ पर, और उनका रोज़ा है साथ। तो ये वो है पहले अब्दुल्ला बिन जाबर अंसारी, और फिर उनके साथ हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के बेटे, फिर उसके साथ जो उधर हमने कब्र देखी है वो भी एक सहाबी हैं, उनके साथ जो है वो हजरत सलमान फारसी की जो है वो का मज़ार और वो रोज़ा बना हुआ है साथ बिल्कुल। तो नमाज वगैरह हमने पढ़ ली, अब बस यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह, और फिर निकलते हैं और रवाना होते हैं करबला की तरफ वापस। अल्लाह तेरा शुक्र मौला। नहीं जी, अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं, और हम लोग अभी अभी वापस आए हैं ज़ियारात करके, आपको भी साथ साथ ज़ियारात कराई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैं काजमैन की ज़ियारात आपको नहीं करा सकी,
बट काजमैन की ज़ियारत में दो रोज़े हैं अंदर, जो कि एक है जनाब मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का और जो दूसरा है वो इमाम जवाद का है, जिनका लकब और कुनियत है अली तकी अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो ज़ियारत में नहीं करा सकी। क्यों नहीं करा सकी? बिकॉज वहाँ पर मुझे आई वॉज़न्ट अवेयर, तो जब हम लोग चेकिंग के लिए जा रहे थे तो उन्होंने हमारा फ़ोन जो है वो रखवा लिया था, तो फ़ोन रखवा लिया तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं था कि मैं आपको साथ साथ दिखा सकती। बट ये है कि उसके अलावा जितनी ज़ियारत मैंने की हैं मैंने आपको साथ साथ दिखाई हैं। अभी अभी हम 24 घंटे ऑलमोस्ट हो गए हैं और अभी अभी हम वापस आए हैं। मैं भी बस फ्रेश होंगी और यहाँ तक का सफ़र आपके साथ, आज का सफ़र आपके साथ यहाँ यहीं तक का था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड, आगे भी जो व्लॉग्स आ रहे हैं वो भी, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें और बेल नोटिफिकेशन जो है उसको प्रेस कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जैसे कोई नया व्लॉग आता है। तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।